हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। जो भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में है, लेकिन ये चैप्टर इनऑर्गेनिक में आता है। 10th क्लास में भी आपका था पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके एग्जामिनेशन में वो डिलीटेड पोर्शन में था, तो इस वजह से आप नहीं पढ़े हैं। अदरवाइज 10th पास करने के बाद में स्टूडेंट आता था, वो पढ़ा हुआ चैप्टर होता था, तो बस उसमें 20% के करीब में ही पार्ट जो है ऐड करना पड़ता था, यानी 80% के करीब का पोर्शन वो होता था जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हैं। और इसीलिए सिलेबस वगैरह भी उसी अनुसार से किया गया कि जब 10th में आप पढ़े हैं उसके बाद मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कस किया जाता था। लेकिन हम लोग यहाँ जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये अभी वो पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे यूज में आता है। आने वाले समय में भी ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये सडन यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं आया, ये कई स्टेज से गुजरता गुजरता यहाँ तक ये फाइनली पहुँचा है। तो सिलेबस अगर आप नोट किए होंगे, यहाँ इस चैप्टर में सिलेबस में है इंट्रोडक्शन, यानी यहाँ थोड़ा सा हम लोग ट्रैक से हट करके बात करेंगे एलिमेंट्स क्या है उनके बारे में। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक क्लासिफिकेशन तक हम लोग पहुँचे हैं, तो किस किस स्टेज से पार करते हुए गए हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उनके पॉइंट को। फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल को ही डिस्कस करना है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल ही पढ़ना है, बाकी का जानकारी अंडर 10th क्लास का है, तो उसको भी लेकर के चलेंगे ताकि ये ना लगे कि हाँ हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, चूंकि 10th में तो आप पढ़े नहीं हैं, और 10th में पढ़े होते थे मे बी उस पोर्शन को स्किप कर देते कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, कुछ इसमें एडिशनल पार्ट नहीं है, बाकी का पार्ट आगे बढ़ाओ। तो लिखिए टॉपिक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स है क्या। हालांकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी इसके बारे में बात किए थे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, उसी को आगे लेकर के यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप याद करो हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में कि मैटर के 3 फॉर्म और 3 टाइप्स थे। अगर फॉर्म या स्टेट कहा जाए तो था सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अगर उनके टाइप के बारे में कहा जाए तो था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसी में आया था एलिमेंट, मैटर के टाइप्स में ही आया था एलिमेंट। और इस एलिमेंट का डेफिनेशन था इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। जैसे उस वक्त समझाते वक्त में बोले थे कि अगर वाटर का फार्मूला हम लोग लें तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अब इस वाटर के फार्मूले में अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही आएगा। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ जो हाइड्रोजन के लिए हम लोग जो सिंबल दिए हैं H, ऑक्सीजन के लिए दिए हैं O, और स्टार्ट किया गया तो जैसे जैसे एलिमेंट आगे की तरफ में बढ़ते गए नए नए प्लानिंग होना शुरू हुआ। पहले ये डिसाइड किया गया कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर होगा और उसी के अनुसार से सिंबल दिया जाने लगा। जैसे हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन का देखो तो फर्स्ट लेटर क्या है, एच, तो इसका सिंबल एच दे दिया गया। कार्बन का डिस्कवरी हुआ तो फिर क्या दिए, सी। ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ, ओ। नाइट्रोजन का डिस्कवरी हुआ तो फिर क्या आ गया, N। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा नए नए एलिमेंट का सिंथेसिस होने लगा तो फिर ये रिपीट भी होने लगा। अब आप इमेजिन करो हाइड्रोजन के बाद में जब हीलियम आ गया तब यहाँ परेशानी बढ़ गया। हीलियम का भी फर्स्ट लेटर क्या है, H है। फिर आ गया कैल्शियम, कैल्शियम का भी फर्स्ट लेटर क्या है, C है। फिर आ गया ऑस्मियम, ऑस्मियम का भी फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है। नियॉन, नियॉन का भी फर्स्ट लेटर क्या है, एन है। तो आप फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और फिर यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट लेटर ही यूज करते तो परेशानी बढ़ जाता। तो फिर डिसाइड किया गया कि फर्स्ट लेटर और उसके बाद वाले लेटर को यूज करेंगे। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर एच था और उसके बाद का क्या था, ई। तो हीलियम का एच ही हो गया। सी ए, यहाँ ओ एस और यहाँ एन ई।
में भी उसके बाद में फिर आया कि हाँ वो सेकंड लेटर भी कॉमन होने लगा, तो कहा गया कि सेकंड लेटर को छोड़ करके बाद वाला लेटर जो आप यूज कीजिए। लेकिन कंडीशन ये था कि जब आप सिंबल लिख रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद के जितने भी लेटर आप यूज करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इसलिए एच ई लिखे हैं तो कैपिटल एच और स्मॉल ई, कैल्शियम लिखे हैं तो कैपिटल सी और स्मॉल ए, ऑस्मियम में ओ एस और नियॉन में एम ई। ये तो हो गया ब्रिटिश नेम के अनुसार से। कुछ एक का लैटिन नेम था और उसके अनुसार से उनका नाम दिया गया। जैसे याद करो आपको बताया गया होगा ए जी सिल्वर, सिल्वर का ग्रीक नेम लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, और अर्जेंटम में देखिए फर्स्ट लेटर ए और सेकंड लेटर क्या रहा है, आर, और वो ए और आर ऑलरेडी यूज हो चुका था आर्गन के लिए, तो फिर बताया कि अगर वो कॉमन हो रहा है तो उसके बाद वाला लेटर लिया जाना चाहिए, तो इसलिए इसका फिर क्या हो गया एजी। गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या था आउरम, तो इनका सिंबल क्या हो गया एयू, और इसी तरह से बाकी का फेरम क्यूप्रम इन सब का इस्तेमाल किया गया। जो नीचे क्लासेस में सेवेंथ एट्थ में जब स्टार्ट होता है केमिस्ट्री तो उस वक्त में आपको याद करवाया गया होगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो एक बार वहीं से स्टार्ट किए ताकि जो नीचे क्लासेस में सेवेंथ एट्थ में स्टार्ट हुआ है वहां से फिर आपको फ्लैशबैक में याद आ जाए। यानी कि यहां पर अभी सिंपल डिस्कस किए हम लोग एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट कहते किसे हैं। इसके बाद में जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ना शुरू हो गया तो पहले हर एक एलिमेंट को लोग इंडिविजुअली पढ़ते थे अकेले अकेले। कार्बन है तो सिर्फ कार्बन के बारे में ही जान रहे हैं, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही जान रहे हैं। लेकिन जब ये नंबर बढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में, और अब वहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट खोजा जाने लगा कि कुछ कॉमन मिले तो उसको एक जगह पर हम ग्रुप कर लें। और इस कॉमन आइडेंटिफाई करने में यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको डोबर्नियर ट्रायड्स रूल, ये डोबर्नियर ट्रायड्स रूल आया। इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का तीन ट्रायड्स बनाया। ये एलिमेंट में फर्स्ट ट्रायड में देखो है लिथियम सोडियम पोटासियम, सेकंड में है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, थर्ड में है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को जैसे यहाँ पे लिथियम सोडियम और पोटासियम है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अगर एक जगह पे हम ग्रुप करते हैं तो उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है, रिलेशन मिलता है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। एग्जांपल से समझाते हैं इसको, जैसे फर्स्ट ट्रायड में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है लिथियम सोडियम और पोटासियम, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का कितना था 7, लास्ट वाले का कितना है 39 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो गया 23, और ये 23 किसके बराबर में है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो एक रिलेशन तो मिला, वही पार्ट यहां लिखा हुआ है व्हेन एलिमेंट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन ए ट्रायड। यहां पर एक टर्म आया है ट्रायड, ट्रायड का मतलब क्या होता है, ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, जिनका प्रॉपर्टीज एक जैसा हो। तो जब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को ट्रायड में ग्रुप्ड किया जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है या उसके नियरली इक्वल होता है, और इनका ये बात भी सही भी हुआ यहाँ तक। ये डोबर्नियर ट्रायड्स रूल में एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई तो किया, लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि उस वक्त के नोन एलिमेंट्स में से ये सिर्फ तीन ही ग्रुप में कर पाए जहाँ पर ये सिक्वेंस फॉलो हो रहा था, उसके बाद में ट्रेंड नहीं बन रहा था कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक जगह पर ग्रुप करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वेटेज नहीं दिया गया। इसके बाद में फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ये आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या बताता है,
जैसे यहाँ एक बात आती है कि जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसके सोचने, उसके बात करने के तरीके में उसका वो प्रोफेशन का झलक दिखाई देता है, यानी वो उसी अनुसार से सोचता है। जैसे हम टीचर हैं तो हमारे बिहेवियर में वो टीचर वाली बात कहीं ना कहीं जो जरूर सामने आएगी, बात करने के तरीके में, डिसीजन लेने में, वो कहीं ना कहीं वो पार्ट आएगा जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसी का। न्यूलैंड साहब म्यूजिशियन थे और म्यूजिशियन में म्यूजिक स्केल होता है, सुर होता है, और इसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं तो भी इतना जानते होंगे कि सात सुर होता है, सा रे ग म प ध नी, और उसके बाद जो सा बोलते हैं आठवां, वो पहले वाले का रिपीटेशन है। इन्होंने क्या देखा कि अगर एलिमेंट को हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज करते हैं, उस वक्त के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो अगर मान लें कि लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे करके वो अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज किया गया है। अब देखें कि इनके प्रॉपर्टीज में कुछ रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो गौर किए तो क्या देखे कि लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है वो सोडियम के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, बेरिलियम का जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, बोरॉन का प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है। तो अब कुछ रिलेशन, कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश किए कि क्या कोई ट्रेंड डेवलप कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए क्या कि अगर लिथियम यहाँ है तो अगर इसको नंबर हम देते हैं वन, ये हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि अगर ये वन है तो ये फिर कौन सा आ रहा है, एट। बेरिलियम को अगर वन मानते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मैग्नीशियम भी आठवां आ रहा है। अगर बोरॉन को वन मानते हैं तो एल्युमिनियम फिर क्या आ रहा है, एट। तो इस तरीके से कैल्शियम तक वो गए तो उनको मिला क्या कि हर एक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बराबर है, और ये बिल्कुल हमारे म्यूजिकल स्केल के अनुसार से है, जहाँ पर आठवां सुर और पहला सुर दोनों जो है आइडेंटिकल होता है, ठीक है। और इसी के अनुसार से इन्होंने अपना लॉ दिया जिन्हें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है, और इन्होंने बताया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट इज आइडेंटिकल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड इट इज सिमिलर टू द म्यूजिकल स्केल इन विच द फर्स्ट म्यूजिकल नोट एंड एट्थ म्यूजिकल नोट आर आइडेंटिकल। और इसके अनुसार से, इनके अनुसार से जो अरेंजमेंट किया गया जो एलिमेंट था उसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो ऐसे आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर जिनका प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल था उसके नीचे में लिख दिए, यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ फिर पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन इसके बाद में फिर यहाँ पर यह भी अटक गए, कोई बात नहीं है, पहला वाला जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ डोबेरनिया ट्रायड शुरू पड़े थे तो उसमें कितने एलिमेंट आए थे, नाइन, तीन ही ट्रायड बना था, उसके रिस्पेक्ट में तो ये बड़ा हुआ, एक पॉजिटिव पार्ट तो समझ में आया कि हाँ ये ट्रेंड भी जो है डेवलप करता है, यानी कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को उसे कैसे हम ग्रुप कर पाए, क्योंकि सब पहले अलग अलग चल रहा था, इंडिविजुअल चल रहा था। तो सेकेंड स्टेज इनका आया जहाँ इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो स्टेटमेंट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, इसको नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल लीजिए। ट्रायड्स रूल और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेल्यूअर के बाद में जो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड किया गया, बीच में और भी बहुत सारे आए थे, लोथर्मियर कर्व भी था, तो मेंडेलिस पीरियडिक क्लासिफिकेशन को दिया गया, और उन्होंने उस वक्त तक के नॉन एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, यानी इस वक्त तक में कहीं कोई टेबुलर अरेंजमेंट नहीं हुआ था, और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में, और इस टेबल में वर्टिकल कॉलम यानी कि जो ऊपर से नीचे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा, और हॉरिजेंटल रो इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट करते हैं इसे इन्होंने पीरियड कहा, यानी कि एलिमेंट्स को
मेंडेलिस पीरियडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया ग्रुप और पीरियड में। इन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद में पेरियोडिसिटी डेवलप करता है। पेरियोडिसिटी यानी कि पेरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो हर एक वो इवेंट जो एक सर्टेन टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करता है उसे हम लोग पेरियोडिक इवेंट कहते हैं। जैसे मंडे या आपका यहीं का क्लास ले लें, आपका यहाँ क्लास का आना एक पेरियोडिक इवेंट है। ट्यूजडे को आएंगे, थर्सडे को आएंगे, सैटरडे को आएंगे, फिर ट्यूजडे को आएंगे, फिर थर्सडे को आएंगे, तो ये आपका घटना जो है पेरियोडिक इवेंट कहा जाएगा। तो हर एक वो चीज़ जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है उसे हम लोग पेरियोडिक इवेंट कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो एक सर्टेन टाइम के बाद में उनका प्रॉपर्टीज फिर रिपीट हो रहा है। इसी को उन्होंने अपने एक लॉ के रूप में दिया जिन्हें हम लोग मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। और इन्होंने बताया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, उनके एटॉमिक मास के अनुसार से अपने आप को रिपीट करता है। और उस वक्त तक के नोन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप किया। उस वक्त में कई एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, उसके लिए उन्होंने जगह खाली कर दिया और कहा कि आने वाले समय में, अभी जो वीडियो आप देख रहे होंगे वहाँ पर फिर रोक करके आपको समझाएंगे भी, आने वाले समय में अगर इस एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो उनका वैलेंसी ये होगा, उनका सिंबल ये लिखा जाना चाहिए। फिर बाद में ये पता चला कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर अप टू सम एक्सटेंट ये बिल्कुल सही बैठ रहा था। आप ये स्टेटमेंट पहले लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।